महाभारत में सीधा सवाल ये कि 2024 में आखिर किसका गेम ओवर। और सवाल ये इसलिए क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण के साथ साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो 2024 में आए हैं वो 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन सीधी बात नरेंद्र मोदी की थी, हमला नरेंद्र मोदी पर था। और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि दो तस्वीरें आज आपको दिखाने वाली हूं, दो तस्वीरें जो बता रही हैं कि ये सियासी दांव हिट होगा या गेम ओवर होगा। क्योंकि जिस तरह से मिलकर सियासी गाड़ी आगे बढ़ाई नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, उन्हीं नरेंद्र मोदी पर आज वो चढ़ाई कर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस समय की जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए और 2020 में फिर से चुनाव लड़ा, महागठबंधन को छोड़ दिया था। ये तस्वीरें देख ली और आपको वो बयान भी सुनाऊंगी जो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए कहे थे, कसीदे पड़े थे। और वहीं आज की तस्वीरें देख लीजिए जब एक बार फिर महागठबंधन के साथ खड़े हो गए और कह रहे हैं 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। अब ये बयान नीतीश कुमार का सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है या फिर उनके अपने राजनीतिक भविष्य हाशिए में दिख रहा है, सवाल पूछ रही हूं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, अगर ये दो हस्तियां आमने सामने हैं तो किस तरह से मुकाबला होगा। वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान और बिहार के नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पहचान। इसी के साथ साथ मोदी का कद लगातार पिछले सालों में मजबूत हुआ है बतौर प्रधानमंत्री, दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने 2019 में। वहीं नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री तो बने हैं लेकिन बिहार में उनका ग्राफ घटता रहा है, वो तस्वीर भी आगे आपको दिखाऊंगी। वहीं बीजेपी का जनाधार पूरे देश में बड़ा है, यही नीतीश की जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित रही है। ये मुकाबला इसलिए क्योंकि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे कह रहे हैं नीतीश कुमार। मोदी की छवि मजबूत नेता के तौर पर, वहीं इस बार जब महागठबंधन के साथ आए तो पलटू राम वाला बयान जो लालू यादव का, तो वो बार बार उछाला जा रहा है। पलटू राम की छवि सियासी राह में रोड़ा हो सकती है क्योंकि अब भरोसा कौन करेगा। वहीं नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता है, सब जानते हैं एनडीए के नेता एक, बीजेपी का नेता एक नरेंद्र मोदी। वहीं विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार बन पाएंगे, इस पर अभी सवाल है, इस पर अभी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी विरोध विपक्ष का उसका एक नेता नीतीश कुमार को मान पाएंगे, ये सवाल है। इसीलिए एक रिपोर्ट पहले देखिए और फिर इसी पर महाभारत। चौदह में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए 24 में भी 29 में भी। जनता ने आपको दो सीटों पे आके अटका दिया, समझ में आ गया। उनकी पार्टी की और तेजस्वी की पार्टी का सफाया होने वाला है। 8वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश के दिल की बात जुबा पर आ गई तो सियासी गलियारे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या यही वो मंसूबा था जिसकी वजह से नीतीश ने मोदी से दोस्ती तोड़ दी। नीतीश खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सत्ता में नहीं आने वाले, तो क्या मोदी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब आगे का सब कुछ करें। मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील करते ये वही नीतीश कुमार है जो कुछ दिन पहले तक पीएम मोदी का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, लेकिन 2024 में पुराने सपने को सच में बदलने के लिए फिर उम्मीद जगी तो तुरंत पलटी मार ली और सुर भी बदल लिए। में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। अब तो सभी जानते हैं कि सत्ता और कुर्सी के लिए नीतीश कुछ भी करने को तैयार है। बिहार में सरकारें बदलती रही हैं लेकिन कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बने रहे। बार बार पाला बदलने की छवि की वजह से बिहार में नीतीश से लोगों का विश्वास किस तरह उठा है ये भी आपको बताते हैं। पिछले 3 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो साफ हो गया कि नीतीश का जनाधार बिहार में तेजी से घट रहा है।
2010 में जेडीयू के पास 115 सीटें थी, जो 2015 में घटकर 71 पर आ गई। जब 2020 में चुनाव लड़े तो महज 45 सीटों पर ही जेडीयू सिमट गई। हम पीएम पीएम हमको पीएम मटेरियल है। 14 में चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने आपको दो सीटों पे आके अटका दिया, पीएम मटेरियल आपको समझ में आ गया। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में तीन तीन चार चार रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है, 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। इतना तो तय है ना कि नीतीश जी आगे जो बिहार में जो चुनाव होगा उनकी पार्टी की और तेजस्वी की पार्टी का सफाया होने वाला है, समझे ना। वो जो कह रहे हैं वह भ्रम में है, इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, 7 जन्म में भी नहीं, और 77 बार जन्म लेंगे तब भी आगे न मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। दिन में ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं है जनाब, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए, 24 में भी 29 में भी। बिहार की राजनीति में भले ही कुर्सी पर हमेशा नीतीश बैठे हों, लेकिन उन्हें राजनीतिक सहारे की जरूरत रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जो यू टर्न लिया है उससे सीधी चुनौती पीएम मोदी को दे दी है। सवाल ये है कि जो नीतीश खुद का राजनीतिक भविष्य तय नहीं कर पा रहे, वो कैसे मोदी का सामना करेंगे? जो बिहार से बाहर पैर नहीं निकाल पाए, वो देश में मोदी से कैसे पार पाएंगे? और बड़ी खबर आपको बता दूं कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा है और कहा है कि शॉर्टकट से समस्या कम नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान है कि समस्या टालने से समाधान नहीं मिलता है, पीएम शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट होती की बात कर रहे हैं, यानी शॉर्टकट अगर लेते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। राजनीतिक स्वार्थ वाले समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का ये तंज किस पर है, समझने वाले समझ रहे हैं। और इसीलिए मेरे साथ आज जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है, बिहार से आते हैं अजय कुमार जी है, एलजेपी रामविलास जनरल सेक्रेटरी है, वकील भी है पेशे से, प्रोफेसर संगीत रागी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, महाभारत में कई बार आप उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नेमतुल्ला खान है, जेडीयू के नेता है, और केएन विश्वास आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर दानिश रिजवान हम पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं शुरुआत कर लेती हूँ नेमतुल्ला खान जी आपके साथ। सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री ने जो आज बात कह दी कि किस तरह शॉर्टकट लेने वालों के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसका कुछ संदर्भ बिहार में नजर आ रहा है आपको? शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, वो भी मुख्यमंत्री से आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने। अगर कोई मुख्यमंत्री रहे 8 साल और वो शपथ दे के 8 मरतबे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से अगर उसको ये मटेरियल कहा जाए तो इसमें कोई शॉर्टकट की बात नहीं है। और मोदी जी भी तो डायरेक्ट उठ के आए और प्रधानमंत्री बन गए गुजरात से, तो इसमें तो भी शॉर्ट सर्किट के मामला में कहां शॉर्ट, मतलब आप कह रहे हैं बिहार के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, ये कहना चाह रहे हैं सर, क्या मैं गलत रीड कर रही हूँ? ये भाई प्रधानमंत्री तो अब जनता चुन के बनाएगी 2024 में। हाँ। और अभी क्या चुनेंगे और होगा आगे, अभी से क्यों भाई वाणी हम लोग करें, अभी आगे देखिए, इतदाए इश्क है, देखिए आगे आगे होता क्या है। सर नेमतुल्ला खान जी, समस्या तो यही है कि समझ नहीं आ रहा इश्क आपको है किससे, कभी बीजेपी से इश्क हो जाता है, कभी आरजेडी से इश्क हो जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं। हमको जनता से इश्क है, हम ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, अब बिहार में नेता नीतीश कुमार है, हमको जनता से इश्क है, जनता के हित में जो फैसला लेना होगा उसका फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, और उन्होंने दिखा दिया जिस तरह से बीजेपी के लोग पार्टी तोड़ते हैं, जिस तरह से लोग एक भावना भारत से अपना राजनीति सिद्ध करते हैं,
उसके इत्तेफाक नहीं रखने वाले नीतीश कुमार जनता के हित में बड़ा से बड़ा फैसला ले सकते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जनता से हमें इश्क है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले। अजय कुमार जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है, ये भी हम देख रहे हैं, आठवीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन वो जो प्यार है वो कम क्यों होता जा रहा है? मैंने एक ग्राफ दिखाया था और कैसे जेडीयू की सीटें लगातार 2020 तक घटती ही गई है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इश्क जो है वो कुर्सी से है और कुर्सी का ये इश्क आठवीं बार सत्ता बदलने के लिए इधर उधर के जोड़ तोड़ करने का परिणाम है। इस बार तो लाके छोड़े हैं 40 पर, अगली बार शून्य भी नहीं मिलने वाला है। हमने भाजपा को 2020 में ही ये बात कही थी, लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा के लोग हिम्मत नहीं कर पाए। चलिए, अब आपको ईश्वर ने भी यह अवसर दे दिया है कि नीतीश कुमार को उनकी हकीकत आप समझा दें। हाँ। भाजपा को पता ही नहीं था कि वह किस व्यक्ति को दूध पिला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने शरद यादव को खत्म किया, ऐसा व्यक्ति जिसने जनता दल को खत्म कर दिया। अभी आपकी पैकेज सुन रहा था कि बिहार से बाहर क्या है, जनता दल का कार्यालय तक नहीं बचने दिया इस नीतीश कुमार जी ने। जब शंभू शरण श्रीवास्तव उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, पैसे मांगते थे तो कहते थे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है बिहार से बाहर, 30-35 सांसद हैं, किसी की मजाल है कि संसद में बोल ले? अजय कुमार जी, आप कह रहे हैं उस समय बीजेपी को समझ नहीं आया। मैं एक बार जरा प्रेम रंजन जी के पास जा रही हूँ। प्रेम रंजन जी, आपको कुछ समझ आया हो ना आया हो, ये तो आपको पता है कि 2024 में आपका नेता कौन है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे, यानी सीधे चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी। देखिए, 2014 में जब चुनाव हो रहे थे उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे, वो अलग चुनाव लड़ रहे थे और बिहार में उनकी सीटें केवल 2 सीटें आई थी और एनडीए को 31 सीटें बिहार में आई थी। तो 2014 में जो व्यक्ति साथ में ना हो और वह व्यक्ति 2024 तय करे, मुझे लगता है कि ये कहीं से उचित नहीं होगा। 2024 में कोई लड़ाई ही नहीं है, 2024 में नरेंद्र मोदी केवल रहेंगे। जिसको भी तैयारी करनी हो 2029 के लिए अभी से तैयारी करे। ये बातें जिसको समझ में नहीं आ रही है, इनको समझ लेना चाहिए। 19 के पहले भी नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि 19 में कोई लड़ाई नहीं है, 19 में नरेंद्र मोदी को वापस आना है। मैं तो कह रहा हूं, नीतीश कुमार की बातों को समर्थन करता हूं कि 19 ही नहीं 24 में भी कोई लड़ाई नहीं है, 24 में नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत भी नहीं। जिसको अभी से तैयारी करनी है वो 29 के लिए तैयारी करे। मैं एक बार केएन विश्वास जी के पास जा रही हूँ। विश्वास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? विश्वास जी को मेरी आवाज आ रही है? विश्वास जी, ये बताइए, आज तो सुशील मोदी ने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, असली सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, सीएम कौन है असली? भाई, असली सीएम तो नीतीश कुमार जी है ना। और पर्दे के पीछे वाले? नहीं, पर्दे के पीछे का क्या सवाल है, जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री है। इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो गठबंधन हुआ है इसके पीछे सीधा सीधा तस्वीर ये है कि अब तेजस्वी यादव को पोर्ट्रे करना है आने वाले समय के लिए, वो सीएम रहे और इसीलिए उस लड़ाई में अब नीतीश कुमार साथ हो गए कि यहां सीएम की कुर्सी वो संभाल लें और 2024 में उन्हें पीएम पद के लिए आगे कर दें। ये डील हुई है क्या सर? नहीं, ये बिल्कुल ही डील नहीं हुई है। देखिए, बिहार गणतंत्र की जननी रही है, यही से विश्व में जनतंत्र का पैगाम गया। और आज अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा है तो 2024 के पहले वो तय होगा।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2024 से पहले तय होगा। मैं एक बार प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पर लीजिए, डॉक्टर दानिश रिजवान को लीजिए। डॉक्टर रिजवान, जरा ये बताइए, आपका तो एक मंत्री पद था, आज भी बना हुआ है वो एक मंत्री पद, लेकिन कहा जा रहा है कि एक मंत्री पद आपको, आपकी पार्टी को दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मांझी साहब छोड़कर गए थे, पीएम मोदी की वाहवाही करते रहे, आज वो नीतीश कुमार की वाहवाही कर रहे हैं, ये इक्वेशन जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार की जनता सोच रही है सीएम भी यही कर रहे हैं, पार्टियां भी यही कर रही। देखिए, एक चीज है सुचारिता जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कभी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करी है, ना हम अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल एकनाथ शिंदे जी से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहिए, जब एकनाथ शिंदे खुले मन से आदरणीय प्रधानमंत्री को दंगाइयों का सम्राट कहता था, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे जीतन राम मांझी जी ने कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करी है, हम हमेशा कहते हैं। और देखिए, डेमोक्रेसी में कम से कम चुने हुए नेता के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में जो करता है, उसको ये लोग सम्राट बना देते हैं। एकनाथ शिंदे जी ने अमित शाह जी के बारे में टिप्पणी, कितनी भद्दी टिप्पणी करी कि वो उनका, मैं उनके सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूं, ये उन्होंने क्या नाम है उनका, संजय जी के बारे में पक्ष को लेकर के बोला था, लेकिन आज क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज बिहार के मसले पे ये छाती पीट रहे हैं कि भाई बिहार में हमारी सरकार छीन ली, हमको बेदखल कर दिया। मध्य प्रदेश में ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके इन लोगों ने सत्ता का चीरहरण किया, वहां तो ये खामोश हो जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार का मसला आता है ये थपड़ाने लगते हैं। देखिए, सियासत में गठबंधन बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गठबंधन को लेकर के इस तरह की कि अपने आप खुद करे तो लीला और दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला करने लगते हैं। रही बात 2024 के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने या फिर महागठबंधन के किसी नेता ने अभी यह घोषणा नहीं करी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जो है वो देश के प्रधानमंत्री। सर, समस्या तो यही है, समस्या सबसे बड़ी यही है, नेता ही कह रहे हैं कि भाई दानिश रिजवान जी, समस्या यही है कि नीतीश कुमार अगर सोच भी रहे हैं कि वो विपक्ष का या मोदी विरोधी गुट का चेहरा हो सकते हैं संगीत रागी जी, तो क्या विपक्ष उन्हें स्वीकार्य करेगा? क्या जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम है सर, वो फूट तो हमेशा से रही है। हम और आप जो ये कह रहे हैं कि 2014 वाले 24 में नहीं आएंगे, उन्हें खुद पता है 2024 में वो कहाँ होंगे? प्रोफेसर आगी, क्या ये बोल देना, एक सेकंड प्रोफेसर आगे, क्या दानिश साहब एक एक करके बात करते हैं सर। और जो आया, नहीं नहीं, आपको, आपसे मैंने सर आपसे बात लिया, मैं प्रोफेसर आगे का नाम लिया सर, प्रोफेसर आगे का नाम लिया, नहीं प्रोफेसर आगे का नाम लिया, ऐसे नहीं सर, प्रोफेसर आगे बोलिए सर, प्रोफेसर आगे। देखिए नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से बाहर निकल करके भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए काम किए थे। आपको पता होगा कि पिछली बार झारखंड के चुनाव में उन्होंने बड़ा कैंपेन किया अपनी पार्टी के लिए, और एक भी सीट पर अपने कैंडिडेट की जमानत वो सुरक्षित नहीं कर पाए। आपने देखा कि बिहार की राजनीति में उनका ग्राफ नीचे ही चला जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिच किया होगा, लेकिन उससे पिछले चुनाव में तो उनका और भी वोट पीछे बैठ गया था। प्लीज जरा सा ध्यान रखिए, देखिए मैं दूसरों के बीच में नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, दानिश रिजवान जी का, नहीं नहीं हटाइए प्लीज, एक एक करके बोलेंगे, दूसरों को सुन, हाँ बोलिए प्रोफेसर आगे, थोड़ा दूसरों को सुन लीजिए। देखिए, जहां तक 2024 का सवाल है, तो आपको पता होगा कि विपक्ष इस तलाश में हमेशा है कि नरेंद्र मोदी के सामने किसको खड़ा किया जाए। जब ऐसा प्रश्न होगा तो लोग एक सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या ऐसे व्यक्ति का, जिसका राजनीतिक चरित्र इतना अविश्वसनीय है, एक ऐसे व्यक्ति का जो स्वयं इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर के कूदते फांदते रहा हो, आप, मैं उसे पलटू मार नहीं कहूंगा, जो कहना होगा लोग कह रहा है, जनता कह रही है, ये सोशल मीडिया का कैंपेन है, ये मेरा कैंपेन नहीं है, लेकिन जब एक पार्टी, जब आपको सत्ता में एक पार्टी के साथ जाना होता है तो कहते हैं कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे आ रहा हूं, फिर उस पार्टी को छोड़ना होता है तो कहते हैं मैं अंतरात्मा की आवाज पर हो रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी ने कोई कम बड़ी गलती नहीं की है। मैं तो मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन को कुर्बान करके नीतीश कुमार को बढ़ने दिया। ये वैसा ही है जैसे आप अपने आंगन में सांप को पाल करके दूध पिला रहे हो कि वो डसेगा नहीं। जब मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात का एहसास था कि 2024 से पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को डसेंगे, तो सामान्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास नहीं होगा, ऐसा मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं। उनको भी ये मानने में, लेकिन नीतीश कुमार यह आरोप नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेइज्जत किया है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि आपको बता दूं कि 1998 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कृपा से वो बिहार की राजनीति में इतने बड़े खड़े हुए। तब वो समता पार्टी, जनता पार्टी तो जेडीयू तोड़ करके समता पार्टी बनाए थे और आडवाणी जी के साथ लॉबिंग किए थे जॉर्ज फर्नांडिस से। मैं एक बार बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं किसी भी मिनट, मंत्री बने, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को लात मार दिया उन्होंने। यही 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 सवाल उठ रहा है बार बार प्रोफेसर आगी कि जो जिस व्यक्ति ने बार 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 अपने राजनीतिक साथियों को छोड़ा है उन पर भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन सवाल एक और दूसरा जो उन्होंने आज अपनी बात में कह दिया, मैं काका जी आपके पास आ रही हूं, आप भी कहते थे 2022 में साइकिल चलेगी, चली नहीं। आज नीतीश कुमार ने कह दिया 2024 में आएंगे नहीं 2014 वाले। अब ये कैसे होगा, सवाल ये है, मोदी को चुनौती दे पाएंगे नीतीश, आरजेडी, अखिलेश यादव जी मिलकर, ममता जी मिलकर, सब एक साथ आएंगे? सुचारिता, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपने अपने सिद्धांतों के प्रति और अपना जो विचारधारा है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना, और कम से कम राजनीति में इतनी शुचिता जरूर होनी चाहिए कि जो व्यक्ति चाहे जो नेता अपनी बात कहे और उस बात पर आने वाले समय में प्रतिबद्ध रहे। मैं समझता हूं कि बिहार के 12 करोड़ जनमानस के साथ सबसे ज्यादा, अगर किसी 16 करोड़ जनमानस के साथ अगर सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा जुमलेबाजी का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो बिहार की रैलियों में जा करके और ये कहते थे कि बताओ बिहार को कितना बड़ा पैकेज दे दें, बताओ बिहार को कितना बड़ा पैकेज दे दें, 50,000 करोड़ दे दें, 1,00,000 करोड़ दे दें, 1,25,000 करोड़ विशेष पैकेज। वो नरेंद्र मोदी जी 8 साल सरकार में रहने के बाद भी बिहार के विशेष पैकेज को 5,000 करोड़ रुपया भी उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो सबसे बड़े धोखा अगर किसी ने किया जिसको सबसे ज्यादा सांसद बिहार से जीत के आए। पर काका जी इसके तो बावजूद एक बात बताइए, बार 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 बीजेपी का ग्राफ बिहार में बढ़ा ही है। ये सवाल जब आप कहते हैं कि जनता ने जनता को दगा दिया या फिर जनता हमारे साथ है, लेकिन जनता परिणाम दूसरा देती है, ऐसा क्यों हो जाता है अजय कुमार जी? ऐसा क्यों हो जाता है परिणाम दूसरा आता है? नहीं, जो काका जी कह रहे हैं परिणाम तो बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ आया था, जैसा कि संगीत रागी जी कह रहे हैं। ये पता नहीं क्यों भाजपा इस बात को नहीं समझ पाई जो कि एक सामान्य जनता समझती थी। यही बात तो हम लोग शुरू से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान कह रहे थे। देखिए बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन एक सेकंड का अगर आप तवज्जो दें, मसला कहां से शुरू हुआ? हमने कहा कि अगर सरकार एनडीए की है तो मैनिफेस्टो भी एनडीए का होगा। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, इसमें भाजपा की और लोक जनशक्ति पार्टी की नहीं चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से छोड़ते हैं, वहां शरण पा जाते हैं। तो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा इनके साथ दगा कर रही थी, दगा तो ये कर रहे थे। ठीक है, मैं एक बार बता दूं जरा, अश्विनी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं सीधे उनके पास जा रही हूं और उनसे पूछ रही हूं कि आज बिहार में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। अश्विनी चौबे जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, मैं उनसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। बताइए अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, विश्वासघात दिवस क्यों मना रहे हैं आप लोग आज? अश्विनी जी को आवाज आ रही है। आज की सरकार, ये महा ठगबंधन की सरकार जो बनी है, ये महा ठगबंधन, ठगने वाला, और लालू जी के ही शब्दों में, जिसने परिवार को ठगा, जिसने सगे को ठगा, वो सबको ठगने वाला है। और ये ठगने वाला, ये मोसेरा भाई, ये दोनों मोसेरा भाई बन गए, और मोसेरा भाई बन करके फिर से राज्य की जनता को ठगने का प्रयास हो रहा है। और लालू जी तो ये भी कहे कि इनके पेट में विषैला दांत है,
ये सांप है और सावन के महीने में सांप और भी जहरीला होता है और ये वही जहरीला सांप उनके घर में बिल बना करके और वहां चला गया और ये सांप उनके गले में चला गया। पहले तो उनको डसेगा और डसने के बाद जब बिहार की जनता को डसेगा तो जो लाठी पिलावन। अश्विनी जी वो तो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। 24 तो दूर है, अभी 22 है। इसके पहले ये लाठी पिलावन वाले पार्टी में गए हैं, ये स्वयं कहते थे नीतीश बाबू कि लाठी पिलावन तेल पिलावन, तो अब लाठी पिलावन तेल पिलावन वाले उसी लाठी से और उस सांप जो लालू जी कहते थे उस सांप के विषैला दांत को थूर थूर के चूरने का काम वही के लोग करेंगे। इनको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, 6 महीना साल भर के अंदर। और जहां रही 24 की बात, एक साल में क्या हो जाएगा अश्विनी जी, सुनिए ना, एक साल बाद हम जनता के साथ है, जनता का आशीर्वाद है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हमारे साथ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 के बाद आज दुनिया के श्रेष्ठतम नेतृत्व में गिने जाते हैं और उनका बहुत आदर दुनिया भर में है। और जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, चाहे हर प्रकार के गांव-गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने कसम खाया और गांव-गांव में विकास की किरणें आज पहुंचाई है। और इसलिए जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। नरेंद्र मोदी ने तब किया है, नरेंद्र मोदी ने तब करके वो वहां तक पहुंचे, लेकिन ये भगाऊ ये जो भगौड़ापन इनका रहा है, आदत पलटनिया मारने का जो आदत है, ये पलटासन कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको उल्टासन करके, इनकी गद्दी को उल्टासन करके इनको सबक सिखाएगी। अश्विनी जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। अब अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है, मेरा सवाल आपसे एक, क्या वो नीतीश जी को अपना नेता मानेंगे? क्या नेता बन पाएंगे उस विपक्ष का नरेंद्र मोदी के खिलाफ? इनको वहां नहीं, विपक्ष में तो पहले ही ऑल इंडिया के राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया जी हैं, वो राहुल जी हैं, कितने जी हैं, जीजी हैं, उधर ममता जी हैं, कहां कहां जी हैं, उधर शरद पवार हैं। आप इनको पहले पूछिए कि इनको कौन पहले नेता बनने के लिए आगे देगा, ये अपने आप में नेता बन रहे हैं। तस्वीरें चला सकते हैं आप, तस्वीरें चला सकते हैं आप। इनको उसी पूरी तरह से इनका दिमाग जो है, हम जो कह रहे हैं, जो नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, विनाश का काल इनका आ गया है। और ये आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों उग्रवादियों को साथ दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हुए हैं। तो सर आपने ये बात, आपसे पूछा जाएगा पहले क्यों नहीं उठाया ये बात, भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा सर, आज क्यों? ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता कर सकते हैं? और आने वाले दिनों में ये अब तैयारी, इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा ऊपर दिल्ली की गति में। अब ये भ्रष्टाचारी और आतंकवाद, ये भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों को जो ये सह दे रहे हैं, बताएं कि 2013 में लहूलुहान गांधी मैदान हो गया था, आखिर क्या कारण है? नरेंद्र भाई मोदी आए थे और उन पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, एक जांच तक नहीं आपने बिहार सरकार ने बैठाया? अगर जांच बैठा है तो रिपोर्ट कहाँ है बताइए? नहीं सर पूछा जाएगा, अश्विनी जी मैंने कहा आपसे पूछेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा। और 2022 में भी आज जब नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पर, तो उस समय भी जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, जब हमारे गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से एनआईए के द्वारा पीएफआई का जाल बिहार के अंदर, चाहे किशनगंज से लेकर के चंपारण और कटिहार से लेकर के बक्सर और भागलपुर तक, चारों तरफ ये बारूद के ढेर पर बिहार बैठा है। इनको बिहार की सुरक्षा का सवाल नहीं, इनको बराबर खबर आ रही है। और एनआईए ने जब इनको कसने का काम किया, तो ये तुष्टिकरण की नीति से उन्होंने सह दे करके, उनको आज एनआईए को सहयोग करना चाहिए था। अश्विनी जी मेरा सवाल आपसे ये है, दरवाजे बंद है अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के, या अभी भी आप लोग अगर आना चाहेंगे तो आएंगे? पलटू राम तो लालू जी ने कहा था, हाँ। तो हो गए वो पलटू राम, लालू जी ही कहते, लालू जी के तरफ पलटे। दरवाजे बंद है अब नीतीश कुमार के लिए? इनका दरवाजा सदा सर्वदा के लिए अब बंद हो गया, इनकी राजनीति खत्म हो गई। अब इनमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति जनता को इसी 19 के 20 के चुनाव में
19-20 में जनता इनको थूक थूक कर रही थी। ये तो धन्य है नरेंद्र भाई मोदी कि उन्होंने 14 जगह पर 15 जगह पर रैली करके और नेतृत्व नरेंद्र मोदी का था जो इनको 43 सीट भी मिला, नहीं तो जीरो पर आउट हो जाते, जीरो पर आउट हो जाते। और अगले बार भी 2 सीट इनको मिला जो था। बात आप कह रहे हैं, देखेंगे इनको अगले 24 में क्या सीट मिलता है, ये जीरो पर आउट होंगे। अश्विनी जी, जीरो पर आउट कर होने की बात आपने कह दी, अब 2024 में क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, मैं नेमतुल्ला खान जी के पास जा रही हूँ। नेमतुल्ला खान जी, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जीरो पर आउट हो गए और आगे भी होंगे, यानी नरेंद्र मोदी के बिना, बीजेपी के बिना बिहार में अस्तित्व नहीं है। नेमतुल्ला खान जी, जी देखिए, इनके पूरे वक्तव्य से इन सत्ता जाने की अब तो झलक रहा है इनका। हाँ। कि कैसे सत्ता चली गई, इसके लिए ये दिल से अपनी बात कह दिए कि कैसे आरोप लगाए नीतीश कुमार पे। जो भी आरोप लगाए, जो भी ये साथ में थे, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है सामूहिक किसी तरह का, लेकिन आज इनको हर तरह से दूसरा नजर आने लगा। अरे नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति नहीं कोई कर सकता है। नीतीश कुमार ने वो छवि बनाई है बिहार में, और वो जो रामविलास पासवान के एलजेपी के लोग अगर नहीं, 2020 में उनके खुद वक्तव्य से मालूम हो रहा है कि वो षड्यंत्रकारी है, जो षड्यंत्रकार करके जिस तरह से हमारा घटाए हमारे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते थे, इनके शीर्ष नेताओं ने प्रेशर डाल के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए ये कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ लेती हूँ नेमतुल्ला खान जी, आपने कहा उस समय भी नहीं बनना चाहते थे, तो आज भी कोई जबरदस्ती थी क्या? आज भी तेजस्वी जी को आगे कर देते हैं आप? यहाँ पर बिश्वास जी बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं हम तो जनता, हम अनुभवी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, मुख्यमंत्री बने रहना चाहती है। ये महाराष्ट्र की तरह जिस तरह से साजिश रच रहे थे, उसको जनता बर्दाश्त नहीं करती। हम लोग भाप लिया इसको। नहीं नहीं सर, 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 सवाल मैंने दूसरा पूछा है, सवाल मैंने दूसरा पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट, प्रेम रंजन जी जरा बताइए, मैंने सवाल दूसरा पूछा, एक सेकंड। एमएलए एमपी नीतीश कुमार जी ने आज कहा वही बात नेमतुल्ला खान जी दोहरा रहे हैं कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, तो आज भी तेजस्वी यादव को आगे कर देते? मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव मना करते, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए खुशी खुशी राजी होते। हाँ, सारे प्रेम रंजन जी, सात पार्टी ने समर्थन किया, एक सेकंड प्रेम रंजन जी बोल रहे हैं। हाँ, उनको केवल नेमतुल्ला जी बोल रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, कि 2000 में 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था घोषित करके, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था, इसलिए कि 13 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा, 17 में गठबंधन तोड़ा महागठबंधन से अलग होकर करके, बिहार की जनता का भरोसा उठ गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं हूं, आप चिंता न करें, आप हमारे ऊपर विश्वास करें, और जो वोट मिला था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला था, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं मिला था। लेकिन नीतीश कुमार जी को सीटें कम आई, हमारी 74 सीटें आई थी, नीतीश कुमार जी को 43 सीटें आई, सीटें कम आने के कारण उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं, हमने जनता को भरोसा दिया है, जनता को बीच में आपके नाम को हमने प्रचारित किया है, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बनिए। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बने थे क्या है? यही जनमत का अनादर करने के लिए, इसी के लिए किए थे, धोखा देने के लिए किए थे, किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए बने थे। अरे बने थे, ठीक है। मैं एक बार जरा लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बिहार की जनता क्या कह रही है, बिहार की जनता क्या कह रही है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कह दिया 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, क्या बिहार की जनता की भी राय यही है? जरा सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं वापस आ रही हूँ। दानिश रजान जी, काका जी आपके पास आ रही हूँ, पहले सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, उस कैलिबर का कोई नेता नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकर कोई नहीं है। जो कल तक युवा को तेजस्वी पर भरोसा था, आज कहीं ना कहीं तेजस्वी पर भी युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। पर अपने दम पर सरकार बनाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, युवा रुष्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मोदी का विकल्प केंद्र में 2029 तक नहीं है, 24 की बात नहीं, 29 तक नहीं है। जब भी बात होगा तो मोदी की ही बात होगी, केंद्र में मोदी रहेंगे। 14 वाला 24 में तो रहेंगे ही, लेकिन नीतीश जी का कोई पता नहीं है।
24 में एकदम पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात नहीं है कि बिहार में सरकार गिर गया तो दिल्ली में गिर जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात या केंद्र सरकार वाला बात तो अलग अलग ना है, तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। अगर कोई जो हम कह दे कि हम ही मुख्यमंत्री बिहार बन जाएंगे, ये कोई तुक है। तो मैं एक बार दानिश रिजवान जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में गिर जाएंगे। दिल्ली में पहले मुकाबले का चेहरा तो लाइए। दानिश रिजवान जी, देखिए एक चीज है कि अभी दिल्ली की सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इसका फैसला तो 2024 में जनता कर लेगी। लेकिन अभी हमने प्रोफेसर राघव साहब की बातों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने डस दिया। मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई राजनेता किसी को डसता उसता नहीं है। इस तरह की तर्क टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कल को कांग्रेस ने देखा, आपने एकनाथ शिंदे ने इतना कुछ गाली गलौज करा था प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आज उनको उन्हीं के सहारे प्रधान मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो इस तरह की तर्क टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रही बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर कोई नेता मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे, ये उनका मानना है। लेकिन अगर इसी ऊपर में टिप्पणी की कैसे चुनौती दे दिया, अरे भाई साहब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब एक दूसरे को चुनौती देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और इस तरीके के तलक टिप्पणियों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। बिहार में आज नई सरकार बनी है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टिस लगी है। चुनौती देने से तो कोई गलत नहीं कह रहा है उन्हें, चुनौती देने से कोई गलत नहीं कह रहा है दानिश रिजवान जी, लेकिन जिस तरह से चुनौती दी गई है, अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले सुनाया कि कैसे नरेंद्र मोदी की वाहवाही में कसीदे पड़ रहे थे, खामोश नहीं थे नीतीश कुमार, ऐसा नहीं था कि मौन थे। वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने सबको, सारे नेताओं को, विरोधियों को खत्म कर दिया है। ये उन्हीं के बोले संगीत रागी जी, ये उन्हीं के बोले कि नरेंद्र मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है नेता। सुचारिता जी, एक सेकंड सर, आ रही हूँ। सुचारिता जी, सुचारिता, अगर जब गठबंधन में है, अगर गठबंधन में है, सुचारिता 10 सेकंड में मेरी बात, अच्छा ठीक है 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, बोलिए कंप्लीट करिए। देखिए, हाँ देखिए, अगर गठबंधन में है तो गठबंधन के सहयोगियों को गाली तो नहीं देंगे। नीतीश जी जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कसीदे पढ़ने के लिए भी नहीं कहा किसी ने, दानिश जी किसी ने भी नहीं कहा। एक शिष्टाचार में कहा जा सकता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये शब्द कहे जा सकते हैं। मैं कसीदे करने की बात कर रही हूँ सर, को तोड़ना ये परिपाटी कहाँ से ठीक है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, फर्क है सर, दोनों में तोड़ना फर्क है सर। वीआईपी पार्टी का वजूद खत्म करने की कोशिश की गई। एक सेकंड, आप सर 10 सेकंड आपके पूरे हो गए सर, मेरे को प्रोफेसर आगी के पास जाना है, फिर अजय कुमार जी के पास जाना है, एक मिनट। ये हो क्या रहा है सर? प्रोफेसर आगी, एक है कि मैं प्रोफेसर आगी को कहूं कि सर आप बहुत अच्छा बोले, और एक मैं कहूं प्रोफेसर आगी जैसा कोई है नहीं, कोई टिकता नहीं है उनके सामने, फर्क है कि नहीं है? देखिए, चुनौती देना लोकतंत्र में हर का अधिकार है, हर नेता का अधिकार है। हमको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक व्यक्ति जो है वो हर चुनाव में खड़ा हो जाता था और हर चुनाव लड़ता था, हर चुनाव में वो प्रत्याशी हो जाता था राष्ट्रपति का उम्मीदवार। तो अपनी 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 सुविधा है। यदि नीतीश कुमार में राजनैतिक चरित्र होता, मैं बार बार ये जोर देकर कह रहा हूं, यदि राजनैतिक चरित्र थोड़ा सा भी शर्म जिसको बचा हुआ होता तो कहते कि ठीक है हम गठबंधन से बाहर होकर के हम दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं, है ना, हम हट जाते हैं। मैंने 2017 में अपराध करके हम जिनके साथ आए थे वो कहते थे अंतरात्मा की आवाज पर हम आए थे। अरे भाई, आपकी अंतरात्मा की आवाज सत्ता के लिए है, एक बात। और दूसरी बात ये तो लोग आपसे सवाल पूछेगा ही ना कि भाई आपने पिछले 10 साल 12 साल में आपने क्या किया है, कौन आदमी आप पर विश्वास करे? आप छोड़ दीजिए पहला और दूसरा कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो बिहार के लिए कौन सा इंडस्ट्री आपने लाया है? आप नेता थे ना। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटों की फिक्र थी? एनआईए का रेड्स होता है और टेररिस्ट मॉडल्स पकड़े जाते हैं पटना से, दानापुर से, और नीतीश कुमार पर इस्लामिस्टों का एक दबाव बनता है,
फिर जो है वो 700 स्कूलों की चर्चा आती है जहां शुक्रवार में जो है वो छुट्टियां होती थी, वहां का दबाव नीतीश कुमार पर आता है। तो क्या ऐसी ताकतें काम कर रही थी बिहार के अंदर में जो नीतीश कुमार को और आरजेडी को दोनों को साथ लाने के लिए काम कर रही थी, और आहर की ताकतें थी जो कि इसको अंजाम दे रही थी? क्योंकि कल तक नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं ये मानता हूं कि उनकी इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की, राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति बने। जब ये दोनों नहीं हुआ तो उनको लगा कि अरे बिहार की राजनीति में मैं तो खत्म होते जा रहा हूं, हाशिए पे हो रहा हूं, मुसलमानों का सारा वोट बैंक जो है वो छिटक करके चला गया है। क्योंकि अब तक जो राजनीति कर, क्या ये फैक्ट है, राजनीति की उनकी जो धुरी थी वो खत्म हो रही थी। नतीजा ये है कि वो मजबूरी में आरजेडी के पास गए हैं, कोई ऐसे नहीं गए हैं, मजबूरी में गए आरजेडी के पास, मजबूरी में गए हैं आरजेडी के पास। कोई मजबूरी नहीं है, नहीं है मजबूरी। नीतीश कुमार काम पर विश्वास करते हैं, वो किसी को अपील करने के लिए काम नहीं करते हैं। वो बिना सोचे समझे, बिना किसी भेदभाव के वो हर वर्ग के लिए, उनको पिछले इलेक्शन में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के नहीं आया नीतीश सबके, इसके बावजूद भी मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा काम किया। हाँ। वो कहां पर विश्वास करते हैं नीतीश सबके, वो जो पोस्टर लगे हैं बिहार में नीतीश सबके हैं, उन पर वोट से दो रहे हैं, वो मिलता है उनके काम पर। हाँ। और जिस तरह से उन्होंने काम किया बिहार में एक छवि बनाई, वो छवि पर नेमतुल्ला खान जी मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि आज जब वो कहते हैं कि 2024 में 2014 वाले नहीं आएंगे तो किस दम पर वो ये बात कह रहे हैं? उनके पास वो जनाधार क्या है जिसके दम पर वो कह रहे हैं? उनकी तो अपनी सीटें इतनी कम है, जेडीयू की अपनी सीटें आरजेडी और बीजेपी से कम है और वो ग्राफ लगातार गिरा है, तो किस बल पर और किस दम पर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? अजय कुमार जी, एक बार अजय कुमार जी के पास जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास। अजय कुमार जी, रामविलास पासवान जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि 100 लंगड़े मिलकर एक पहलवान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये बात नीतीश कुमार जी को अच्छी तरह से मालूम है। अभी तो अपनी लंगड़ी कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव के सहारे किसी तरह से टूटी टांग वाली कुर्सी बचा पाए हैं। ठीक है। और जहां तक इनका दावा है, कितने प्रपंच किए, अरे चिराग पासवान मोदी जी का पोस्टर नहीं लगाएंगे, हैं चिराग पासवान के सभाओं में मोदी जी का नाम नहीं लिया जाएगा। अरे न पोस्टर लगाया हमने, न मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी गए आपके लिए प्रचार किए, अब काहे मोदी जी को दगा दे दिए भाई, कितनी तो सड़ते और नहीं। तो ये जो बात कह रहे हैं अजय कुमार जी, मुझे बताइए नेमतुल्ला खान साहब, क्या क्या दिक्कत थी? उस समय तो गठबंधन में थे, तब भी नरेंद्र मोदी से इतनी अदावत, पोस्टर नहीं लगेगा, नाम नहीं हो लिया जाएगा, क्यों? कौन गठबंधन में थे? गठबंधन में थे तो इन्होंने क्यों, इन तो बीजेपी के साथ मिलकर षडयंत्र रचा नीतीश जी के खिलाफ। भाजपा को किसने समझाया कि लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार में कोई औकात ही नहीं है, इनको दो चार सीटें दे दो तो हमने काम बता देते हैं, हमारी क्या औकात है? और जब औकात बता दिए तो मर्ची लग गई। देखिए खान साहब, चिराग पासवान ने 2020 का रिजल्ट आते कह दिया था सुचारिता, यह सरकार नहीं चलेगी। हमने तब भी कहा था मौसम वैज्ञानिक रामविलास ही नहीं है, चिराग पासवान भी मौसम भांप लेते हैं। हमने 2020 में कह दिया था, भाजपा को भी कह दिया था कि अगर आप इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो इससे बड़ी गलती, इससे बड़ी गलती भाजपा बिहार में नहीं करेगी। अगर भाजपा हिम्मत कर लेती तो आज भाजपा उत्तर बिहार में एक बड़ी पार्टी होती, एक बड़ा। ठीक है, प्रेम रंजन जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए। प्रेम रंजन जी, आप लोग भाप नहीं पाए कि इतनी बड़ी प्लानिंग नीतीश कुमार ने कर ली, या फिर आप भाप पाए लेकिन चारा नहीं था आपके पास कोई और, सरकार दो पार्टियां मिलकर बना रही थी तो आप लोग क्या कर लेते? प्रेम रंजन जी की आवाज नहीं, विश्वास किया था नीतीश कुमार को हम लोगों, जब
1995 में नीतीश कुमार पहली बार चुनाव लड़े थे अकेले। हाँ। सत्ता पार्टी के रूप में 7 सीटें आई थी, जिसमें से 5 सीटें केवल जो है नालंदा जिला में थी, एक जिले की पार्टी थी। 96 में हमारा गठबंधन हुआ और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सरकार बनी थी, उसमें 7 मंत्री बने थे, उन 7 मंत्रियों में नीतीश कुमार 1 मंत्री थे। आपने देखा कि 2000 में जब विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय इनको 34 सीटें समता पार्टी को आई थी और 67 सीटें बीजेपी को आई थी, फिर भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने नीतीश कुमार को बनाया था। 2005 में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नया बिहार नीतीश कुमार, यानी कि लोगों को भरोसा दिलाया था कि नीतीश कुमार को साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उस भरोसे के कारण बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया था। उसके बावजूद इन्होंने विश्वासघात किया, 2013 में गठबंधन तोड़ दिया, कोई कारण नहीं था तोड़ने का। फिर जब महागठबंधन में गए, ये अकेले चुनाव लड़ने का 2014 का लोकसभा, ठीक है, अब गठबंधन तोड़ दिया, सरकार नई बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी हैं, अब तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ सरकार बना ली। अब मैं सिर्फ एक काका जी सवाल पूछ रही हूँ, फिर आ रही हूँ संगीत रागी जी, एक सवाल पूछ रही हूँ काका जी कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आप लोगों के पास कौन है ऐसा चेहरा जो 2024 में बाजी पलट सकता है? मैं सवाल उसी पर आ रही हूँ, क्योंकि बहुत कोशिशें हुई है कि सरकार एक 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 जुट होकर एक विपक्ष खड़ा कर ले, वो हो नहीं पाया। देखिए सुचारिता, कम से कम समता का भाव रखिए, बहुत देर से बैठाई हुई है, बहुत बहुत माफ कीजिए सर। सवाल कर, देखिए 2024 के जो कोई बात नहीं, 2024 का जो सवाल है उसमें विपक्ष में तमाम दल है, लेकिन आज जो बिहार के परिपेक्ष में आप बात कर रही हैं, बिहार जेपी आंदोलन की धरती रही है, जगदेव बाबू की धरती रही है, बीपी मंडल की धरती रही है, और हम लोग ये समझते हैं कि बिहार में जो शुरुआत हुई है 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन, वही शुरुआत पूरे देश में होगी, चूंकि पूरा देश इस समय भयंकर महंगाई से, भयंकर बेरोजगारी से, भयंकर आर्थिक तंगी से, भूखमरी से तबाह है, और उस सारी तबाहियों की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो जुमलेबाज व्यक्ति, जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो अपने कहे गए किसी भी एक बात पर और एक वादे पर प्रतिबद्ध है। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता जब फैसला देती है तो वो अलग होता है। मैं सिर्फ कह रही हूँ आप आरोप लगाइए, आप विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, एक लोकतंत्र में ये जरूरत है, ये जरूरत है, लेकिन आरोपों से नहीं होगा सर। सर सर जनता भी तो सुन रही है, जनता भी सुन रही है, वो तय करेगी। आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का आप सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि लोग अपने जीवन के जरूरी सवालों, ठीक है चुके सर, आप ये कह रहे हैं कि टुकड़ा साफ होगा, बिहार में भले ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना एक अलग ही चीज है। अब अगर वो आप कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन उसके लिए काम तो अभी से करना होगा, काम होता दिख नहीं रहा है, एकजुट भी नहीं होते दिख रहे हैं। मेरे पास महाभारत में सर इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।